आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम शास्त्री नगर परिसर में आए हैं। संचार बंदी का तीसरा दिन है, लोग बराबर पालन कर रहे हैं संचार बंदी का। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी ऑर्डर मिला है, लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के नागरिकों से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिक कुरैशी। कुछ दिन पहले जो प्रशासन ने एक निर्णय लिया, मैं बहुत ही सराहना निर्णय है जो उन्होंने ये लॉकडाउन के इसी के मतलब कर्फ्यू का जो ये किया, मतलब कर्फ्यू डिक्लेयर जो किया उन्होंने, संचार बंदी का जो पालन है, बहुत अल्लाह का एहसान है। शास्त्री नगर में बहुत सही तरीके से इसका पालन किया जा रहा है। कुछ लोग गैर समझ फैलाते शास्त्री नगर में सब खुला है, तो मैं आप आज़ादी बचाओ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी रात को आकर यहां मेहनत करें। आप खुद देख लीजिए, आप यहां का वीडियो शूटिंग लीजिए, आप टाइम देखिए यहां पर क्या हालात है। अल्लाह का एहसान है, हमारे लोग समझदार है, हमारे गली के सब बड़े लोग मिलकर हम समझाए सबको, तो उसी मातल्लुक से हम कुछ लोग बैठते रात में थोड़े एक दो जगह कि जो भी है आप रात को जमावबंदी है, आप बाहर मत निकलो, रिक्वेस्ट करें लोगों को। और लोग भी हमारे समझदार है, अपने अपने टाइम से 11 बजे के बाद बिल्कुल भीड़ यहाँ पर नहीं, आप देख सकते, आप यहाँ वीडियो शूटिंग में आप देख सकते, अल्लाह का एहसान है। पर लोग कुछ बोलते हैं शास्त्री नगर को बदनाम करने के लिए कि भाई वहाँ गर्दी है, लोग धंधे पानी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का एहसान है, यहाँ व्यवस्थित है। और मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी फिक्र के वास्ते, हमारी तबीयत नहीं बिगड़ना इसके वास्ते जो निर्णय लिया, मैं सराहना, मैं इसकी तायद करता हूँ। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल, मैं हाजी सलीम भाई लोखंडवाला, कैमरा मैन बाबा मुछाली। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।